हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, हम सभी ने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर तक के न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिए थे। आज हमें उनसे आगे के न्यूमेरिकल करने हैं। और मैं बताना चाहूँगा मैंने कहाँ तक न्यूमेरिकल आपको करा दिए थे। तो बच्चों, मैंने आपको न्यूमेरिकल कहाँ तक करा दिए थे? न्यूमेरिकल मैंने आपको 10, 11, 12, 12 तक करा दिया था। और हमें करना था बच्चों कहाँ तक? 13 से शुरू करना था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं और खत्म ही कर देते हैं आज इसको, फिर नया चैप्टर शुरू करवाऊंगा, है ना? चलिए, चलो नहीं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज इज ऑब्टेन्ड बाय द कन्वेक्स लेंस। आपको पता है बच्चों, कन्वेक्स लेंस में कहां पर ऑब्जेक्ट को रखें कि हमें सेम साइज का इमेज पता प्राप्त हो, गेट हो। तो बच्चों, आपको अच्छे से पता है 2F1 पर। अब ये देखना है कि हमें फोकस कितना दिया हो। अब इतना ऑप्शन वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है कहां पे रखें, फोकस पे रखें, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे रखें, इन्फिनिटी पे रखें, या ऑप्टिकल सेंटर और उसके बीच में फोकस के। तो बस यही है भाई, ट्वाइस ऑफ फोकस पे रखेंगे, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा, अ कन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। हाँ जी बच्चों, एक कन्वेक्स लेंस का फोकस जो है वो कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। और आपको अच्छे से पता है इसका फोकस प्लस में होता है, तो प्लस का 20। अब कह रहा है, वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस सो एज टू ऑब्टेन एन इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑब्जेक्ट। तो कह रहा, बताओ ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया जाए कि भाई सेम साइज का बने, यानी सेम साइज का ऑब्जेक्ट बने। तो बस आपको तो मैंने बता ही रखा है, ट्वाइस ऑफ एफ कर दो तो वही बनेगा, 20 × 2 बच्चों 40। क्योंकि F1 और 2F1 का मतलब क्या हो गया कि ये C से अगर 20 है तो ये भी 20 होगा, तो मतलब टोटल कितना हो गया? 40। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये था 14 था। ठीक है, 15 देखो। एक मिनट रुकोगे? एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको, जरा मैं ये इंक प्लेस कर लूं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हाँ जी, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट को चार कंडीशन दी गई बच्चों में। हमें कितने कंडीशन दी गई? चार। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को चारों में से किन किन कंडीशन पे कैसे कैसे रखें, चार कंडीशन में कैसे कैसे रखें कि हमें रियल और डीमिनिमाइज इमेज प्राप्त हो, मैग्निफाइड और रियल हो, मैग्निफाइड और वर्चुअल हो, और एन इमेज सेम साइज का हो। तो बस बात खत्म भाई। देखो, इस क्वेश्चन में आपको पहले से ही फोकस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। फोकस क्या दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। और फर्स्ट केस में यू दिया हुआ है आपको। एक मिनट बच्चो, एक मिनट।
देखते हैं, ठीक है। हाँ तो u बराबर फर्स्ट केस में दिया हुआ है 8, और आपको पता ही है u कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। अब इसने बोला है कि भाई पता लगाओ, तो हाँ जी अब की बार हम लेंस फॉर्मूला लगाने वाले हैं। नाउ तो लेंस फॉर्मूला होता है 1 अपॉन f, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। f कितना दिया 10, v हमें पता नहीं, माइनस u कितना माइनस 8, माइनस माइनस प्लस का 8। बच्चों ये प्लस की चीज है, इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। हाँ जी सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। 8 को 1 से 8, 10 को 1 से 10, 10 को 8 से 80, 1 अपॉन v, 8 में से 10 गया माइनस 2, और कैंसिल करेंगे 2 बन जा 2 और ये 40, 2 जा 80, तो आपके पास आ गया माइनस 1 अपॉन 40 और v अपॉन 1 अपॉन v, 1 अपॉन v पलट देंगे बच्चों तो माइनस का 40। आप अच्छे से जानते हो कि अगर v कन्वेक्स लेंस में v नेगेटिव आता है तो वो रियल होगा, और अगर अगर क्या आता है वो सॉरी अगर v नेगेटिव आता है तो वो वर्चुअल इरेक्ट होगा, और पॉजिटिव आता है तो रियल होगा। तो v हमारे पास नेगेटिव आ गया है, इसलिए इमेज जो होगा वो वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड होगा, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, हिंदी में आभासी और बड़ा, या वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, हिंदी में आभासी, सीधा और बड़ा, ठीक है जी, और बड़ा। चलिए आगे देखते हैं, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, आभासी, सीधा और बड़ा, ये हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन था बच्चों, देखो कहीं वर्चुअल दिखाई दे रहा, हाँ जी दिखाई दे रहा, तो थर्ड ऑप्शन, इसका बच्चों थर्ड ऑप्शन हिट बैठ गया, यानी फर्स्ट का आंसर, यानी फर्स्ट का आंसर इसमें, इट मींस ए का आंसर थर्ड है। अब करते हैं बी, यानी एफ अभी भी 10 है, लेकिन अब की बार यू कितना दिया हुआ है, यू दिया हुआ है 15, तो यानी माइनस का 15। चलिए जी, 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ये 10, ये वी, ये माइनस 15, हाँ जी माइनस माइनस प्लस का 15, ये उठ के इधर आ जाएगा माइनस का 1/15। सॉल्व करेंगे, 15 एकम 15, 10 एकम 10, 15 दम 150, हाँ जी कितना आ गया 5, 150 1/v, 5 एकम 5, 5 दिया तो मतलब कितना हो गया, जल्दी बता दो कितना हो गया, 1/30 बराबर 1/v, पलट देंगे v बराबर 30, तो बच्चों v आ गया प्लस में, v किस में आ गया प्लस में, और अगर v बच्चों प्लस में है तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर है रियल मैग्नीफाइड इमेज, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर क्या होगा सेकंड, बी का सेकंड। अब सी का देखते हैं, सी में भाई आपको अभी भी फोकस 10 दिया हुआ है, यू अब की बार आपको 20 दिया हुआ है, भाई यू आपको क्या दिया हुआ है 20, लेकिन यू 20 कैसे लेंगे, माइनस का 20, तो बस नाउ हाँ जी 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, तो 1/10 वी माइनस का 1/20, माइनस माइनस प्लस, प्लस की चीज इधर आके माइनस, 1/20 सॉल्व करेंगे 20, 10, 200 कितना 200, हाँ जी 10/200 जीरो से जीरो, 1/20 बराबर 1/20 पलट दोगे तो 20 कितना आ जाएगा v, v बराबर क्या आ गया बच्चों 20 आ गया। अब देखो जब v भी 20 आ जाए और u भी 20 आ जाए तो आपको पता ही है सेम साइज, ठीक है भाई सेम साइज और रियल इन्वर्टेड, तो कोई ऐसा है ऑप्शन, हाँ जी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर कौन सा है 4, और लास्ट जो बच गया वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा फर्स्ट। तो ये कर लो बच्चों फटाफट, ये कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 16 करा रहा हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 भी कर ही लो, इसका लास्ट पार्ट खुद कर लेना 15वें का, ये देखो 16 कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन अ लिटरली डिक्शनरी। हाँ भाई डिक्शनरी के छोटे, डिक्शनरी के छोटे अक्षरों को, छोटे वर्ड्स को किस तरीके, कौन से लेंस से आप अच्छा देख सकते हैं, तो सीधी सी बात है भाई, छोटी चीज को बड़ा देखना वो डाइवर्स करने वाला
करने वाली बात हो गई, क्योंकि कन्वेक्स लेंस से कन्वर्ज करने वाला मतलब दूर की चीज को बिल्कुल पास लाके दिखाना, और कनकेव लेंस का काम है छोटी चीज को डाइवर्ज बड़ा करके दिखाना। तो यहां पे यानी कनकेव लेंस यूज होगा। अब देखते हैं कनकेव कहीं पे दिया हुआ है। हाँ जी दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, एक दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो अब बात आती है कि हमें किसको देखना अच्छा रहेगा। तो आपको तो अच्छे से पता है भाई, हम सबसे अच्छी जो साफ जो डिस्टेंस देख पाते हैं वो 25 सेंटीमीटर पे देख पाते हैं। मैं आपको 11th चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि हम भाई 25 सेंटीमीटर पे बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। तो इसका मतलब 25 से जो अबव रहेगा वहां उसके आगे हम क्या कर सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं। तो कनकेव लेंस में जो भी फोकस 25 से ऊपर होगी उसमें हम साफ देख पाएंगे। तो कोई है? हाँ जी ऑप्शन नंबर सेकंड, कनकेव लेंस फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो यानी इसका आंसर डायरेक्ट लॉजिक बेस्ड है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, सेम क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, किसकी तरह, 15 की तरह। तो ये आप खुद करेंगे, ठीक है, ये उतारिए उतारिए। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी करवाया ये, ठीक है, करो करो फिर आज ये खत्म करा दूंगा, ज्यादा देर का रहा नहीं अभी ये, ठीक है। चलिए नोट हो गया, ये वीडियो पॉज करके ये कर लीजिएगा। 16 हो गया, 17 बिल्कुल सेम 15 की तरह है, ये आपको खुद करना है। हाँ क्वेश्चन नंबर 18, चलिए शुरू करते हैं। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। लो जी कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और प्लेस किया गया ऑब्जेक्ट को 12 सेंटीमीटर पे, माइनस का 12। अब कह रहा है कि हाउ फार द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑन द वॉल। हाँ भाई कह रहा है इमेज को कितनी दूरी, यानी लेंस को कितनी दूर पे रखें कि हमें रियल, हमें क्या मिल जाए, हमें रियल वो मिल जाए, रियल इमेज मिल जाए। तो भाई रियल इमेज की क्या बात है, कन्वेक्स लेंस कहता है, कन्वेक्स लेंस कहता है हाँ जी कन्वेक्स लेंस कहता है कि सी और एफ वन के बाद कहीं पर भी तुम रख दो, सी और एफ वन के बीच छोड़कर तुम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दो, हर बार रियल बनेगा। यही है ना, हर बार रियल बनेगा। 5 केस रियल के, 1 केस वर्चुअल का है। मतलब सी और एफ वन के बीच नहीं रखना, मतलब अगर एफ 10 है तो 10 के अंदर अंदर नहीं रखना, 10 के बाहर रखना है। तो भाई यू तो आ गया -12, तो बिल्कुल ठीक है। तो यानी अगर यू -12 दिया हुआ है, अगर यू 12 दिया हुआ है तो बताइए कि इमेज कहां पर बनेगी। तो बस 1/f 1/v -1/u 10v -12, तो 1/10 माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस की चीज इधर आके माइनस, सॉल्व करेंगे 12 -10 120, और ये आपको बताइए 2/120। इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट, ठीक है, हाँ कट गया ये 60, पलट देंगे v बराबर 60। अगर v बराबर 60 तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि आपका ये रियल इमेज आएगा। क्या आएगा? रियल, क्योंकि v इसमें पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए करो इसे फटाफट।
हाँ जी देखिए बच्चों, तो यानी वी जब आपका पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है कि रियल इमेज बनाएगा, बात खत्म। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्या करें बच्चों आजकल काम बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा प्लीज, ठीक है बीच बीच में गायब हो जाता हूँ 10 सेकंड के लिए। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, बस बात खत्म। ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट, हाँ जी ऑब्जेक्ट की हाइट बच्चों, ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी 7, और प्लेस किया गया है 12 सेंटीमीटर मतलब -12, कन्वेक्स लेंथ, फोकल लेंथ है इसकी 8 तो प्लस में ही रहेगी। तो कह रहा पोजीशन निकालो, नेचर निकालो और हाइट निकालो, यानी वी भी निकालना है, एच आई भी निकालना है और नेचर भी निकालना है। ठीक है जी नेचर निकाल लेंगे, पहले 1/f 1/v -1/u, ये एक फॉर्मूला होता है लेंस का जिसका इस्तेमाल हमें करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। चलिए तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है 8, 1/v -1/u, u कितना है -12, 1/8 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/12 इधर आके माइनस का हो जाएगा 12 -8, 12 96 ये आ गया v, 12 में से 8 गया 4, 96 v, 4 × 4 24 × 96, 1/24 पलट दोगे बच्चों v बराबर 24, लीजिए v प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब रियल इन्वर्टेड है, ठीक है कैसा है रियल एंड इन्वर्टेड, हिंदी में वास्तविक और उल्टा, ठीक है। अब क्या करना है, v आ गया, अब आपको पता है लेंस में v अपॉन u एच आई अपॉन में एच ओ के बराबर होता है, एच आई अपॉन में एच ओ, तो v कितना है 24, u कितना है, u हमने निकाला -12, एच आई कितना है नहीं पता, एच ओ कितना है 7, तो 12 × 24 7 उससे मल्टीप्लाई कर रहा है तो एच आई बराबर -2 × 7, तो बच्चों ये आ गया -14, और एच आई अगर माइनस में आ रहा तो रियल तो होगा ही, ठीक है नोट कीजिए। इसके बाद मुझे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाइए जल्दी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 20 सेम क्वेश्चन है करके दिखाइए, नहीं 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 सेम नहीं है, 21 कीजिए, ये कनकेव लेंस का है, चलिए 20 मैं कराता हूं, 20 मैं कराता हूं, वीडियो पॉज करके किया होगा आपने 20 मैं मानता हूं। अ कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस एन इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड मतलब तो रियल ही होगा बच्चों, ठीक है अगर इन्वर्टेड बोल रहा है तो रियल ही होगा, इन्वर्टेड मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, यानी एम की बात की गई है भाई, अब की बार एम की बात की गई है। अब जल्दी बताओ, अब मुझे आप लोग जल्दी से बताओ कि इसका जो एम होगा वो प्लस में होगा या माइनस में होगा, चलो सॉल्व करके देखो, आप एक बार करके देखो, हाँ जी तो एम क्या लिया होगा बच्चों आपने, हाँ जी तो एम लिया होगा आपने, आज गर्मी बहुत है बच्चों,
हाँ जी, तो मैग्नीफाइड की कैसा होता है इसका? इसका मैग्नीफाइड इन्वर्टेड है, ठीक है, और एच आई इसका हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है, यानी मैग्नीफाइड होगा नेगेटिव सो में, किस में होगा? नेगेटिव में, तो माइनस का 3, ठीक है। इसके बाद इसने क्या बोला है? इसके बाद इसने बोला है कि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया 15 सेंटीमीटर में, माइनस का 15, तो कह रहा बताओ फोकल लेंथ क्या होगी। तो ठीक है जी, पहले वी तो निकालें। एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू होता है लेंस में, ये माइनस का 3, ये वी, यू कितना है? माइनस का 15। माइनस का 15 में जाके मल्टीप्लाई करेगा तो देखो वी कैसा आ गया, प्लस का 45। अब देखो वी जब प्लस में होता है तभी रियल होता है, सही बात है, इसलिए कन्वेक्स लेंस में हमेशा एम कैसा लेते हैं? माइनस का 3, वो भी कब? जब रियल बोले, और अगर वर्चुअल बोलता तो प्लस का लेते हैं, वर्चुअल बोलते तो कैसे लेते? प्लस का, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोले इसने? फोकस निकालो, तो फोकस तो मेरे हिसाब से साहब आप लोग निकाल लोगे। वी कितना है? वी है 45। यू कितना है? यू है आपका -15, माइनस माइनस प्लस का 15, और 45 तो एलसीएम आ गया, 45 से 45 1, 15 से ये 3, क्योंकि 15 से 45, 3 और 1 4, 45 1 अपॉन f, पलट दो 45 अपॉन में 4, कैंसिल आउट करोगे तो 11 पॉइंट कितना आ जाएगा, 102 टाइम्स, और ये 25, इतना, तो 11.25 फोकस आ गया, इतने सेंटीमीटर, ठीक है। चलो नोट करो बच्चे उसको, फटाफट फटाफट नोट करो इसे, वीडियो पॉज करके नोट करो। कर लिया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट देख लो, अब खत्म ही होने वाला बच्चों। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, लो जी यू -50, कनकेव लेंस, लो जी कनकेव लेंस हो गया, तो फोकस कैसा होगा इसका? तो पता ही है पीछे होता है हमेशा, तो इसका फोकस कितना दिया हुआ है आपको? 20, तो माइनस का 20 हो गया। तो कह रहा है फाइंड द नेचर पोजिशन ऑफ द इमेज, ठीक है जी, 1 अपॉन f, वेट कर 1 मिनट, 1 अपॉन v -1 अपॉन u, v हमें पता नहीं, ये पता है -20, -50, माइनस माइनस प्लस, प्लस की चीज इधर आके माइनस, हाँ जी, अब 20, ये 50 से जाएगा -50, और 20 से जाएगा -20, 50 100, ये -70 अपॉन 100, 0 से 0 शिफ्ट, पलट देंगे v बराबर -10 अपॉन 7, ठीक है, तो ये आ गया आपका v, ये आपका क्या आ गया भाई? v, ठीक है, ये आपका भाई v आ गया। अब क्या निकालना है? कह रहा नेचर बताओ, अरे नेगेटिव आ गया तो बात ही खत्म, जब नेगेटिव आ गया तो कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, चलिए कीजिए इसको, कीजिए। कीजिए इसको,
जी बच्चों देखो, तो ये हो गया। इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, अब है 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लो जी यू बराबर -50। अब कह रहा है वर्चुअल इमेज बताता है एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, वी दे रखा है आपको -10। अब कह रहा है ड्रॉ द डायग्राम, और डायग्राम तो आप बना ही लोगे, कह रहा फोकल लेंथ निकालो। ठीक है जी, फोकल लेंथ निकाल देते, 1/f 1/v -1/u, तो माइनस का 10 ऊपर चला जाएगा, माइनस का 50, माइनस माइनस प्लस का 50। हाँ जी 50 एलसीएम आ गया, 10 से 50 कटेगा 5, 50 से 50 कटेगा तो कितना आ जाएगा 1, माइनस का 4/50 पलट दो तो 50/ में -4 कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 25/2 यानी कि 12.5, तो यानी माइनस का 12.5, और फोकस आपको पता ही है। हाँ जी कनकेव में फोकस माइनस का ही होता है, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर? भाई पावर सेंटीमीटर में बोला है तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, बस बात खत्म। और कन्वेक्स लेंस है तो पावर किस में लेंगे, फोकस किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। 0 0 कट गया तो पावर आ गया +10 डायोप्टर। याद रखना डायोप्टर अगर नहीं लगाओगे या प्लस माइनस आगे नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी 24, क्वेश्चन नंबर 24, अ पर्सन हैविंग अ मायोपिया, यानी एक आदमी को मायोपिया नाम की बीमारी हो गई है, और कनकेव लेंस का यूज किया है उसने, किसका लेंस यूज किया है, कनकेव लेंस का, जिसकी फोकस है 10। तो भाई कनकेव है तो फोकस माइनस का होगा। अब कह रहा है कि बताओ उसकी पावर क्या होगी, और वो भी सेंटीमीटर में ही है, तो ठीक है जी बात ही खत्म। पावर एफ बराबर सेंटीमीटर में 100/ में एफ, और इसका पावर कैसा होता है भाई, माइनस में 10, तो 0 0 कट गया तो पावर होगा माइनस का 10 डायोप्टर। 25 क्वेश्चन कह रहा अ थिन लेंस हैज अ फोकल लेंथ, हैज अ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर। एक थिन लेंस है मतलब पतला लेंस है जिसका फोकस -25 है, ठीक है जी, मतलब कनकेव है, अगर माइनस का फोकस है तो कनकेव है। कह रहा बताओ इसकी पावर क्या होगी और इसका नेचर क्या होगा। अरे जब फोकस ही माइनस का है तो पहली बात नेचर तो है ये कनकेव लेंस, क्योंकि अगर प्लस का होता, अगर ये प्लस का होता तो कन्वेक्स होता, और इसकी पावर क्या होगी सेंटीमीटर में, तो 100/f, 100 f कितना है माइनस का 25, काट दो 4 तो माइनस का 4 डायोप्टर, ये हुई इसकी पावर। क्वेश्चन नंबर 26, अ लेंस हैज पावर, इतना एक लेंस की पावर पहले से ही -2.5 डायोप्टर दी गई है, तो कह रहा है बताओ इसकी फोकल लेंथ क्या होगी और नेचर क्या होगा। नेचर भाई माइनस का है ना, अब ये बताओ माइनस का है तो कनकेव लेंस होगा, पहली बात तो ये होगा कनकेव लेंस, इसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाना, ठीक है। अब कह रहा है इसकी फोकस क्या होगी, तो पी इज इक्वल टू, ठीक है, 100/ में एफ, ये हो गया इन सेंटीमीटर, ठीक। तो भाई पी कितना है, माइनस का 2.5, 100, एफ कितना है, ये रहा है एफ, यहां मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर रहा बच्चों, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, और माइनस का 2.5 यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, और आपको अच्छे से पता है जब नीचे से पॉइंट हटता है तो ऊपर आता है 10, तो ये हो गया एफ बराबर -1000/25, 25 से काटोगे 25 चौके 100 0, यानी कि फोकस आ गया -40 सेंटीमीटर। फोकस क्या आ गया, -40 सेंटीमीटर, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस, भाई कनकेव लेंस जिसकी फोकस 2 मीटर है, तो भाई आपको फोकस बताइए 2 हो जाएगा माइनस का, और पावर कितनी हो जाएगी 1/ में एफ, क्यों क्यों 1/ में एफ, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है, तो -1 यानी ये फोकस -2 यानी कि भाई कितना हो जाएगा फिर बताओ, तो पावर हो गया -1/2, और -1/2 का मतलब होता है -0.5 डायोप्टर, कितना आ गया -0.5 डायोप्टर। कहते हैं ना कि मुझे -0.5 का चश्मा लग गया है, ये वही है बच्चों, करो। नोट करो,
जल्दी से नोट करो बच्चों, वीडियो पॉज करो और नोट करो, पीडीएफ आपके पास जा ही चुकी है, बस आपको क्वेश्चन नोट करना है। चलिए खत्म करवाऊं आज इसको। सिर्फ वीडियो पॉज करते जाओ और नोट करते जाओ। इसी के साथ आज आपका ये खत्म। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट। हाँ जी, अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज। सही बात है, निडल की, जो कि 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस रखा गया है। मतलब एक निडल है जो लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, वो भी कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। कह रहा इफ द इमेज ऑफ द सेम साइज, अगर सेम साइज का इमेज बनता है, अगर सेम साइज का इमेज बनता है निडल का, तो बताओ कि इसकी पावर क्या होगी और निडल प्लेस कहां पर होगा। आपको मैंने क्या बताया कि जितने साइज पे, जितने साइज पे याद रखना बच्चों, जितने साइज, अगर मान लो सेम साइज का आपसे कभी भी ऑब्जेक्ट और लेंस के बारे में इमेज के बारे में पूछ ले कि जितने साइज पे, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज का इमेज है, तो याद रखना उस केस में यू और वी बराबर होते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने कि जब भी आपसे क्या पूछ लिया जाए कि भाई साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ किसका, ऑब्जेक्ट का, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार जब भी बराबर हो जाए ना, तो u और v भी बराबर होंगे। मतलब अगर u माइनस 50 है तो v प्लस का 50 होगा। क्यों प्लस का 50? क्योंकि कन्वेक्स लेंस में रियल इमेज v प्लस होता है। रियल इमेज में v कैसा होता है? प्लस का होता है। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब निकाल लेते हैं फोकस। तो फोकस होता है ये माइनस u, तो ये हो गया 50 माइनस माइनस का 50, माइनस माइनस प्लस, 1/50, 1/50, 2/50 कट जाएगा, 1/25, 1/f पलट दो, f बराबर 25। तो बच्चों f बराबर क्या आ गया? 25। नाउ पावर निकालना है, ये सेंटीमीटर में बच्चों, तो पावर क्या होगी? 100 अपॉन में f, इट मींस 100, f कितना? 25, कट गया 4, यानी कि प्लस का 4 डायोप्टर, ये आ गया आपकी पावर। क्वेश्चन नंबर 28 खत्म। ये लॉजिकल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है द थिन लेंस, एक लेंस है उसकी पावर प्लस 3.5 डायोप्टर है, यानी पावर P1। कह रहा है एक और लेंस है जो इसके साथ जोड़ के रखा गया, उसकी पावर है P2 माइनस 2.5 डायोप्टर। तो कह रहा बताओ इनका कॉम्बिनेशन ऑफ पावर क्या है। कह रहा फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ। ठीक है, पहले कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पावर, लेंसेज पावर, ठीक है, दोनों लेंसों के संयोजन की शक्ति, संयोजन की शक्ति। हाँ जी, वैसे तो होता है P1 प्लस P2, लेकिन P1 की वैल्यू कितना होते है? 3.5, जबकि P2 की वैल्यू कितनी है? माइनस 2.5। तो बस 3.5 प्लस माइनस माइनस 2.5, 3.5 में से 2.5 किया तो प्लस का 1 आएगा। तो इसका मतलब जो बच्चों पावर आया वो प्लस 1 डायोप्टर आया। क्या आया? प्लस 1 डायोप्टर आया। ठीक, अब जब प्लस 1 डायोप्टर आ गया है, ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि भाई इसकी फोकस बताओ। नाउ तो पी इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। सही बात है, तो पी कितना आया? 1, फोकस इतना आया। ठीक है, तो f यहां डिवाइड कर रहा हूं जाके मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया 1 मीटर। कितना आ गया फोकस? 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 30, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एक्स एंड वाई इज ये, यानी एक्स प्लस वाई, एक्स का पावर, यानी पावर ऑफ एक्स प्लस पावर ऑफ वाई 5 डायोप्टर है। ठीक है, और कह रहा है कि अगर एक्स लेंस का फोकस 15 सेंटीमीटर है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ वाई। ठीक है जी, अगर इसका फोकस बच्चों 15 है, तो इसकी पावर क्या होगी? पावर ऑफ एक्स निकालो। पावर ऑफ एक्स होगी क्या भाई? 100 अपॉन में कितना? 100 अपॉन में एफ एक्स। ठीक है, तो पी
हंड्रेड अपॉन में कितना, 15 काटेंगे 5 से, 5 से काटेंगे 20/3, तो भाई फोक पावर, हाँ जी पावर ऑफ एक्स तो कितना आ गया, प्लस 20/3 डायोप्टर, ये आ गया इसका। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ वाई। तो पहले वाई की पावर निकालो, तो यानी कि पी एक्स प्लस पी वाई दोनों के मिला के पावर है 5, तो इसकी है 20/3, तो पी वाई की कितनी होगी, ये प्लस की चीज वहां जाके माइनस हो जाएगा, 5 - 20/3 रह गया ये, हाँ जी 3 × 5 = 15 -20/3, तो पी वाई की वैल्यू है -5/3, इतने डायोप्टर। भाई वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस कितना, 5/3 डायोप्टर, ठीक है जी। अब इसका फोकस निकालना है नाउ, तो पी वाई बराबर क्या होगा, 100/ एफ वाई, ठीक है। तो ये पावर कितनी है, माइनस का 5/3, 100 एफ वाई, ये इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो भाई 5 से इसको काटा 20, 3 या डिवाइड कर रहा हूँ, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, साथ में माइनस को ले जाएगा, तो 22/60, यानी कि भाई कितना आ गया, माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो बच्चों वाई लेंस की पावर आई माइनस का 5/3 डायोप्टर, जबकि ये फोकस कितना है भाई, 60 सेंटीमीटर, कितना आया 60 सेंटीमीटर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 31 आपको खुद करना है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों मैंने इस चैप्टर के आपको करवा दिए हैं, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, और जो भी समस्या होती है, जो भी कुछ रह जाता है, तो वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, और कोई डाउट आता है तो बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको वहां पर करवा दूंगा दोबारा से, ठीक है, और कोई नया क्वेश्चन आता तो वो भी मुझे भेजिए ताकि मैं आपको करवा सकूं, और बाकी कोई डाउट आता है तो पूछिएगा। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू होएगा, बाय।